अंबेडकर की तरह अपना लूंगी बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की अनुयायी बनाने के लिए दीक्षा जरूर लूंगी, सही समय पर करूंगी इसका फैसला, मायावती ने ऐसा कहा। बौद्ध धर्म की अनुयायी बनाने के लिए दीक्षा जरूर लेंगी मायावती, सही समय पर इसका फैसला लिया है। मायावती ने नागपुर में एक बड़ा ऐलान किया कि अंबेडकर की तरह वो बौद्ध धर्मी अपनाने को तैयार हैं। बौद्ध धर्म की अनुयायी बनाने के लिए वो दीक्षा भी जरूर लेंगी और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सही समय पर इसका निर्णय लिया है। नागपुर में मायावती का ये बड़ा ऐलान कि अंबेडकर के साथ साथ अब मैं बौद्ध धर्म भी अपनाने को तैयार हूं, साथ ही साथ इसकी शिक्षा दीक्षा भी लेंगी। वो ये भी कहा कि मैंने बिल्कुल राइट टाइम पर, सही समय पर मैंने इसका निर्णय लिया है। नागपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, मायावती ने नागपुर में ऐलान किया कि अंबेडकर की साथ साथ वो बौद्ध धर्म भी अपनाने को तैयार हैं और बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, साथ ही साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा भी लेंगी। ये भी कि बौद्ध धर्म अपना रही है मायावती, अंबेडकर के साथ साथ बौद्ध धर्म अपनाने को तैयार मायावती। मायावती ने बड़ा ऐलान किया है नागपुर में, बौद्ध धर्म अपनाने के साथ साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा भी लेने के लिए तैयार है मायावती। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने बहुत ही राइट टाइम पर यह निर्णय लिया है कि अंबेडकर के साथ साथ बौद्ध धर्म भी अपनाने को तैयार। हमारे साथ नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी जी जी, मायावती ने इतना बड़ा ऐलान किया है, क्या सियासत पे इसका असर पड़ेगा? क्या अब ऐसा नहीं लगता कि मायावती ने बौद्ध अपनाने के नाम पर दलित प्लस बौद्ध की वोट बैंक बनाने की रणनीति शुरू कर दी है? देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब मायावती ने इस तरह की धमकी दी है। वो लगातार इस तरह की धमकियां देती रहती हैं कि जो, और इसमें कोई शक नहीं है कि दलितों को लुभाने के लिए वो इस तरह से काम करती रहती हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक उनके हाथ से निकल रहा है। और ऐसे में जो अत्याचार, जो कई ज्यादा घटनाएं दलितों के खिलाफ आ रही है, उसके मद्देनजर और उनको कैश कराने के लिए वो इस तरह के बयान देती है कि वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि इसके पहले भी अंबेडकर भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके हैं और हजारों की संख्या में हिंदू भी बौद्ध धर्म और स्वीकार कर चुके हैं। तो ये मामला कुल मिलाकर, क्योंकि इस समय उपचुनाव चल रहे हैं और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव भी चल रहे हैं, और चूंकि दलितों पर कुछ जो घटनाएं हुई हैं उसके मद्देनजर वो बयान ये दे रही है जिससे कि अपने वोट बैंक को सॉलिड किया जा सके। जी, क्या मायावती का इस ऐलान से राजनीतिक अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है? नहीं, इसको लेकर के उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में तो नहीं है, क्योंकि उनकी अपना इतना खत्म होने के बावजूद भी उनका अपना वोट बैंक थोड़ा बहुत अभी बाकी है। हालांकि कई चुनाव में वो चार चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद वो 2019 के हुए चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, वो जीरो से निकल करके 10 सीटों पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बढ़त हासिल कर रही है, इसके मद्देनजर उनको लग रहा है कि अब उन्हें भी कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे जिससे, क्योंकि उनकी असली लड़ाई समाजवादी पार्टी से ही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और इस वर्तमान में काम ये है कि कौन विपक्ष की पार्टी हो सकता है, नंबर दो की पार्टी फिलहाल कौन हो सकता है, उसकी जंग चल रही है जिसमें समाजवादी पार्टी बढ़त हासिल किए हुए है। तो इसको लेकर के भी मायावती ऐसा रुख अपना रही है, जहां तक उनकी राजनीति खत्म होने की बात है तो ऐसा संभव नहीं है। जी, मायावती ने जो फैसला लिया, कहीं ये वोट बैंक को लुभाने की रणनीति की तरफ इशारा तो नहीं है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये राजनेता जितने भी हैं वो अपनी राजनीति से बाज नहीं आते हैं, उनका एक एक कदम राजनीति से प्रेरित होता है
और अपने वोट बैंक को साधने की राजनीति होती है, ये उसी कदम उसी ओर बढ़ाया गया एक ही कदम है। जी शुक्रिया प्रदीप जी, हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस बड़ी खबर पर। मायावती ने नागपुर में ऐलान किया है कि वो अंबेडकर के साथ साथ बौद्ध धर्म भी अपनाने को तैयार हो गई हैं, और बौद्ध धर्म तो अपनाएंगे साथ ही साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करेंगी। मायावती ने कहा है कि उन्होंने बिल्कुल सही समय पर इसका ऐलान किया है।